नमस्कार, मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। सरल है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में आवेदन की प्रक्रिया। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बहनों के सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है। सशक्तिकरण में सबसे अधिक जरूरी आर्थिक सशक्तिकरण है। बहनों के पास पैसा हो तो उनमें आत्मविश्वास भी होता है और स्वाभिमान का भी भाव जागृत होता है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में हर पात्र बहन के खाते में हर महीने 1,000 रुपये डालने का निर्णय लिया है। योजना में वे बहनें पात्र होगी जिनकी आयु 23 से 60 वर्ष के बीच हो, विवाहित हो, परिवार की आय 2,50,000 रुपये वार्षिक से कम हो और ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उनके बच्चे हैं। ऐसे पात्र बहनों के खातों में हर महीने 1,000 रुपये आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ने सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जारी संदेश में ये बात कही। सीएम ने कहा कि मेरी बहनों को कोई दिक्कत ना हो, ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए योजना में आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है। योजना के फॉर्म आपके गांव और शहर के वार्डों में भरवाए जाएंगे। बहनों को लोक सेवा केंद्र या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सभी गाँव में हमारे कर्मचारी आएंगे और फॉर्म भरवाएंगे। इसके लिए 25 मार्च से शिविर लगना शुरू होंगे। जब तक सभी बहनों के आवेदन नहीं भर जाते तब तक शिविर लगेंगे। सीएम ने बताया कि आवेदन में अपना नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर आदि दर्ज कराने के अलावा 3 जरूरी जानकारी बहनों के पास होनी चाहिए। पहला आपकी या आपके परिवार की संपर्क आईडी, दूसरा आपका आधार नंबर और तीसरा संपर्क में दर्ज आपका मोबाइल नंबर। ये जानकारी यदि बहनों के पास है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आवेदन भरा जाएगा, उसके बाद ईकेवाईसी करवाई जाएगी। इसके लिए बहनों को जानने की जरूरत नहीं है। गाँव और शहर के वार्डों में ही ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ दूसरे गाँव या कॉमन सर्विस सेंटर पर बहनों को ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उनके लिए वाहन की व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इन किसानों के खातों में 2 नहीं आएंगे पूरे 4,000 रुपये। जल्द खत्म होगा 14वीं किस्त का इंतजार। आपको बता दें, किसानों के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश भर में काफी पॉपुलर है। इसमें पीएम मोदी ने किसानों के खातों में सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफर करते हैं जो कि 3 किस्तों में भेजी जाती है। अभी तक योजना के 13वीं किस्त दी जा चुकी है। ऐसे में किसानों को अब 14वीं किस्त का इंतजार है। आइए जानते हैं कब मिल सकती है 14वीं किस्त की 2,000 रुपये की राशि। आपको बता दें, 27 फरवरी को देश भर के किसानों के खातों में 13वीं किस्त के पैसे भेजे गए थे। इसमें लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में 2,000 रुपये डाले गए। हालांकि कई किसान ऐसे भी हैं जिनको ये लाभ नहीं मिला। ऐसे में उनके खाते को अपडेट करने के बाद ही सब सही रहा तो 14वीं किस्त के उनके खाते में दोनों किस्त के पैसे एक साथ 4,000 रुपये आएंगे। कब आएगी 14वीं किस्त? किसानों खातों में योजना के पैसे साल में 3 बार यानी 4-4 महीने के अंतराल में भेजे जाते हैं। 13वीं किस्त फरवरी में किसानों को मिली थी। इस समय यह माना जा रहा है कि जून जुलाई में अगली किस्त किसानों खातों में आ जाएगी। अभी जिनको 13वीं किस्त के पैसे नहीं मिले उनके खातों में कोई गड़बड़ी है। ऐसे में उन्हें पहले वो सुधार करा लेना चाहिए, नहीं वो आगे भी योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। कमलनाथ ने की बड़ी घोषणा, सरकार आने पर 500 रुपये में देंगे गैस सिलेंडर। आपको बता दें, कमलनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। रविवार को नरसिंहपुर में एक जनसभा में उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं को 1500 रुपये देंगे। 19 मार्च को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ नरसिंहपुर दौरे पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का उद्घाटन किया, इसी के साथ जनसभा को संबोधित किया और यहाँ वे बड़ी घोषणाएँ कि कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तो आपका पड़ोसी हूं और एक नेता के नाते नहीं, एक पड़ोसी के नाते आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान मुझसे हिसाब मांगते हैं, वे 18 साल का हिसाब दे, मैं 15 महीने का हिसाब दे दूंगा। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान घोषणाओं के नशे में है। वही महंगाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में महंगाई आसमान छू रही है। आज गैस सिलेंडर की कीमत इतनी ज़्यादा कर दी है कि मैं घोषणा करता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आने पर हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। वही उन्होंने महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा भी किया। वही उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर किए वादे को भी दोहराया। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की तैयारी। आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार जल्दी बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है। इस कड़ी में अगले सप्ताह सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। कर्मचारी अपने डीए में इजाफे का इंतजार कर रहे हैं। डीए और डीआर में ये बढ़ोतरी जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक यानी पहली 6 महीने के लिए होगी। सरकार कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी का एरियर जोड़कर भुगतान कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों को डीए में 4% तक इजाफा कर सकती है।
अगर इतनी बढ़ोतरी होती है तो किनके कर्मचारियों को डीए 38% से बढ़कर 42% पर पहुंच जाएगा। इस इजाफे के बाद कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा होगा। सरकार हर 6 महीने पर कर्मचारियों को डीए में इजाफा करती है। अगर सरकार महंगाई भत्ते बढ़ोतरी का फैसला लेती है तो फिर इसका फायदा करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 63 लाख पेंशनर्स को होगा। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, मिलेगा मुफ्त अतिरिक्त अनाज का लाभ। हरे राशन कार्ड धारकों को बड़ा फायदा, इनके कार्ड होंगे रद्द। जानिए नई अपडेट। आपको बता दें, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। सरकार द्वारा लगातार राशन कार्ड धारकों के हित में बड़ा फैसला लिया जा रहा है। वही यदि आप राशन कार्ड झारखंड सरकार के मुफ्त राशन योजना लाभ उठा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। वही लंबी कतार से राशन कार्ड धारकों को मुक्ति मिलेगी। उचित मूल्य की दुकानों पर स्थापित एटीएम से गेहूं और चावल मिलने में लगभग 30 सेकंड का समय लग रहा है। उत्तर प्रदेश में 15 मार्च को अनाज एटीएम स्थापित किया गया है और इससे राशन कार्ड धारकों को राशन का वितरण किया गया है। अनाज एटीएम से राशन कार्ड धारकों को अनाज का वितरण किया जा रहा है, जिसके कारण लेने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लग रहा है। राशन कार्ड धारकों के समय में भारी बचत हो रही है, साथ ही अनाज देने की पारदर्शिता भी बरकरार है। इसमें जानकारी देते हुए बताया गया है कि फिलहाल देश में 7 अनाज एटीएम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में स्थापित किए गए हैं। राशन कार्ड धारक को उचित मूल्य की दुकान पर ही POS मशीन पर अपना अंगूठा लगाने के बाद 3 किलो चावल और 2 किलोग्राम गेहूँ उपलब्ध कराया जा रहा है। वही ATM अनाज निश्चित रूप से पहले से ज़्यादा प्रचलित है और इससे कम तोल पर अंकुश लगेगा, साथ ही इसमें पारदर्शिता देखी जाएगी। 88,000 स्मार्ट राशन कार्ड रद्द। आपको बता दें, पंजाब सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है, जिसके तहत फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर राशन योजना लाभ लेने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुविधा संपन्न लोगों द्वारा बनाए गए हैं 88,000 स्मार्ट राशन कार्ड को रद्द किया कर दिया गया है। वही आयोग पाए गए राशन कार्ड धारकों की संख्या 3 लाख के ऊपर पहुंच गई है। पंजाब सरकार द्वारा सभी जिलों में योग्य पाए जाने वाले राशन कार्ड धारकों की पहचान के आदेश जारी किए गए हैं। 23 जिलों में कुल 40 लाख राशन कार्ड धारक है, जिनमें से 37 लाख राशन कार्ड धारकों की पड़ताल काम पूरा हो चुका है। 3 लाख राशन कार्ड धारक योग्य पाए गए हैं, ये विभाग के नियम और शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं। शेष बचे जिले के लिए राज्य शासन की तरफ से आदेश जारी कर जांच पड़ताल के निर्देश दिए गए। 80,000 से अधिक राशन कार्ड को रद्द किया गया है। मिलेगा मुफ्त अतिरिक्त अनाज का लाभ। झारखंड सरकार द्वारा नई तैयारी की गई है। इसके तहत 20 लाख राशन कार्ड धारकों को 7 महीने से राशन नहीं मिल रहा था, जिस पर अब उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को 5 किलो अनाज 1 रुपये प्रति किलो के अनुमानित दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं। वही राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब को अनाज देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। हालांकि अगस्त 2022 से राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। वही APCI की ओर से अनाज देने से इनकार करने के बाद अब राज्य सरकार चावल की खरीदी करेगी। राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022 में राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 65 लाख गरीबों को प्रति परिवार अनुमानित दर 1 किलो दाल देने की योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। हालांकि 1 साल पूरा होने के बाद अब तक इसे जारी नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में छाए बादल, बारिश का दौर भी मंगलवार से मिल सकती है राहत। आपको बता दें, अलग अलग स्थानों पर बनी 5 मौसम प्रणियों के असर से मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाए हुए हैं, साथ ही रुक कर वर्षा भी हो रही है। इसी क्रम में रविवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मंडला में 36, खजुराहो में 13, दामों में 9, खरगोन में 9, खंडवा में 4, सतना में 2, उमरिया में 2, उज्जैन में 1, छिंदवाड़ा में 1 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विज्ञानी के मुताबिक अभी 2-3 दिन तक बादल बने रहेंगे, लेकिन सोमवार से वर्षा की गतिविधियां में धीरे धीरे कमी आने का असर है। मंगलवार से बेमौसम वर्षा से कुछ राहत मिलने लगेगी, साथ ही अधिकतर तापमान बढ़ोतरी होने लगेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ जबलपुर के आसपास बना हुआ है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ ईरान और अफगानिस्तान के बीच में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। राजस्थान के मध्य में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। अलग अलग स्थानों पर इन 5 मौसम प्रणियों के असर से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी आने का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से मध्य प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में बादल बने हुए हैं, साथ ही कई की वर्षा भी हो रही है। शुक्ला के मुताबिक सोमवार से मौसम प्रणियां कमजोर पड़ने लगेगी। उधर अफगानिस्तान के आसपास बना पश्चिम विक्षोभ काफी ऊंचाई पर आ रहा है, इस वजह से उसका मध्य प्रदेश के मौसम पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। इस वजह से सोमवार से मध्य प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आने लगेगी। बादल छटने से मंगलवार से अधिकतम तापमान बढ़ोतरी होने के भी असर है। बता दें, पूरे प्रदेश में तेज हवाएं चलने के साथ बेमौसम वर्षा और ओले गिरने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।